हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आज हम मेरे चैनल का फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मैंने बुलाया कि मैंने अपने ऐसे छिछोरे लोंडो को बुलाया पॉडकास्ट सबसे पहले पॉडकास्ट में। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैंने किसको बुलाया अपने पॉडकास्ट में। तो वेलकम वाइंस वाले छोरे। थैंक यू। तो अपने बारे में बताओ भाई कि मतलब क्या तुम्हारे चैनल का कंटेंट है, क्या है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ लेकिन बाकी शायद ना जानते हो। सो एक्चुअली क्या है, हमारा कंटेंट थोड़ा फनी सा रहता है और जो आजकल लोग देखना सबसे पहले नाम तो बता दो यार, इतने शाहरुख खान थोड़ो ना हो। सो गाइस, मेरा नाम है अक्षय कुल्लर। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और अभी करीबन 4 महीने से हम लोग वीडियोज बना रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स आ रहा है, आप हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो ये मेरे पार्टनर है अमन। अमन प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं। सो गाइस, हमारा एक चैनल है माइंस वाले छोरे, उसमें हम दोनों ही हैं, अक्षय भाई भी और मैं भी हूं अमन। तो हम फनी फनी वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आज से देख लेना। बाकी करण भैया ने हमें बुलाया था कि पॉडकास्ट करना है, तो देखते हैं कैसा रहेगा आज का हमारा पहला पॉडकास्ट। हमारा ही पहला है और करण भाई का शूट करने का भी पहला ही पॉडकास्ट है। गाइस, स्टार्टिंग में ही कुछ फनी चीज बताता हूँ आपको। हम लोगों ने ना बेसिकली क्या कर रखा है, कॉपीराइट ले रखा है इंस्टाग्राम पे, और छोटी बात नहीं होती कॉपीराइट लेना, इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट लेना। तो इन्होंने फंबल का कॉपीराइट ले रखा है, ये आप देखते रहेंगे वीडियो के अंदर, बहुत फंबल मारते हैं। और मेरा जो कॉपीराइट है वो बहुत बहुत खास है अमन भाई, वो हंसते रहने का, कि वीडियो बीच क्लिप में हंसना, अगर किसी को ऐसे हंसी आ जाए तो वो इनका, वो भी आप आगे देखोगे। तो अच्छी बात है ना वो, तो क्योंकि हमारा काम ही आसाने का है, तो मेरा जो ये है ये तो अच्छा है यार, अमन भाई का वो शूट करने पर चलता है कि अच्छा ही कैसा है। तो मतलब ये वाइन साल इतनी देर से मतलब आपस में बात करूं, मैं चला जाता हूं, बाहर ही चला जाता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरे पास आपके लिए भी एक क्वेश्चन था जी। जो आपने सेटअप लगा रखा है, बहुत अच्छा सेटअप था, मजा आ रही है। थैंक यू वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट क्या आप इसकी इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं? मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को याद होगा दीपक शर्मा नाम का एक आया था एक आज से 5-6 साल पहले। हाँ, तब तुम लोग शायद इस पे यूट्यूब पे होगे भी नहीं। हाँ, 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 तो उसने एक डायलॉग बोला था कि आज भी कोई चीज मुझ तौ लगा के बोलता हूँ EMI पे नहीं ली। अच्छा, तो वही मैं उससे थोड़ा इंस्पायर हूँ। तो मतलब ये क्या, ये मतलब कोई मैंने EMI पे नहीं लिया, ये मैंने उधार पे लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे तुम लोग जाओगे 5 मिनट बाद लेने वाला वापस आ जाएगा। तो अच्छा, जैसे हमारे कपड़ों को, हाँ हाँ, ये करना है। तो मैं ये बोला था, तुम लोग के वाइंस वाले छोरे नाम कैसे पड़ा, मतलब क्या दारू सप्लाई करते थे ब्लैक में, मतलब क्या करते थे? नहीं, एक्चुअली ये नाम का क्रेडिट तो हम एक शख्स को देना चाहेंगे। किसको देना चाहेंगे? अमन भैया की मदर को। अच्छा। बेसिकली क्या है, हम लोगों को उस टाइम पे जो नाम डिसाइड हुआ था वो था वाइंस वाले लॉन्डे। अच्छा। तो अमन भैया की जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि लॉन्डे, तो लॉन्डे बोला था, क्या बोला था, लॉन्डे वाइंस वाले लड़के नाम बोला था ऐसे करके कुछ था। तो मम्मी ने बोला था कि जब कोई लड़की बोलेगी इस पेज के बारे में तो सॉरी वाइंस वाले भैया, राइट, वाइंस वाले भैया, तो उसके अंदर अमन भैया की, तो फ्रैंक फैमिली से बिलोंग करते हैं अमन भाई। तो मम्मी ने बोला कि अगर इसको कोई लड़की बोलेगी तो भैया ही भैया हो जाएगा हर जगह, तो अच्छा नहीं रहेगा आपके हेल्थ के लिए, और पेज के लिए शादी दहेज नहीं मिल, ये भी काटना है। ऐसी मम्मियां सबको मिले जो सारी लड़कियों को सच्चाई भी यही है कि YouTube चलने रहा था, 2000 सब्सक्राइबर थे बस। तो एक दिन मुझे ये दिखा, तो इसको देख के हंसी आ गई मुझे, मैंने कहा ये अगर मेरी वीडियो में रहेगा तो कितनी हंसी आएगी। मतलब जब सोचो मेरे को ये रियलाइज हुआ, जब मेरे को देख के हंसे, मैंने कहा मेरे को देख के दुनिया हंस सकती है तो क्यों ना हम लोगों को हंसाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल बनाया और हम लोगों को हंसा रहे हैं, और तकरीबन 10,000 फॉलोअर्स हैं हमारे अभी इंस्टाग्राम पे, और आज से मुझे उम्मीद है ये जल्दी 10 लाख भी होंगे। सो गाइस प्लीज कीप सपोर्टिंग। हां बिल्कुल होंगे, 110%। जितने भी व्यूज है उतने फॉलोअर्स होना चाहिए हमारे पेज पे। बिल्कुल जितने भी मेरे व्यूअर्स है प्लीज इनको फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इनका इंस्टाग्राम पेज है वाइंस वाले छोरे। और सेम जी तुम लोग भी बोलो। चल नाम क्या था? हॉलीवुड देखो। वैसे सॉरी टू, मतलब अब ये बच्चे रोस्ट करे तो मेरा भी बोलना बनता है। कितने फॉलोअर्स है तुम्हारे? 10,000 है, 3 तुम लोग 2 मिला के 10,000 हो, मेरे अकेले के 20,000 है। माइक ड्रॉप। क्या सुन, बाकी होगा थोड़ा सा इसको साइड रख। कोई बात नहीं, अपने भाई लोग हैं यार, चलो चलता है। तो और जो बात अभी हम लोग करने वाले थे कि मतलब ये चीज, मतलब जैसे कि कंटेंट बनाते हो आप, मतलब ये मतलब किस चीज पे मोस्टली रहता है आपका कंटेंट? मोस्टली तो हमारा फ्रेंडशिप पे ही रहता है, कि फ्रेंडशिप जैसे रहते हैं क्योंकि लोग इससे रिलेट कर पाते हैं दोस्तों के, क्योंकि जो ऑडियंस है सोशल मीडिया पे है
वो यंगर्स हैं और उनके साथ दोस्त सर्कल होते हैं जो भी उनके साथ होता रहता है, तो रिलेटेबल कंटेंट के लिए हम ज्यादातर फ्रेंडशिप पे ही बनाते हैं। तो लड़कियों को ऐड करने का नहीं सोचा अभी तक, तो माइंड में ऐसा नहीं आया है, बट हो सकता है आगे आए अगर कोई मिले तो। मतलब आप लोग इन हो लड़की को ऐड करने के लिए अपने? हाँ, हम लोग तो इन है, बट वो इन नहीं होती। हाँ, तो अगर जितने भी फीमेल फॉलोअर्स हैं, मतलब अगर आप ऐड होना चाहते हैं इनके साथ, तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मतलब जोक्स अपार्ट बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। जैसा आप, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे 5 साल लगभग हो गए यूट्यूब पर। मतलब मैंने स्टार्ट उससे पहले उस पर बनाता था, टिकटॉक वगैरह पे बनाता था, टिकटॉक नहीं सॉरी डब स्मैश बनाता था। टिकटॉक मैंने रोज करा तो थोड़ा वो हो जाएगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो आप टिकटॉक के साथ कंटेंट ना बोलिए, कंटेंट बोलिए ना। हाँ, मतलब जो भी था मतलब वही मैं बनाता था। पहले मैं टिकटॉक पे मैंने उतना नहीं बनाया, डब स्मैश पे बनाता था। उसके बाद फिर मतलब अपना पर्सनल स्टार्ट करा वाइंस। मैंने भी स्टार्टिंग में कि मेरे साथ ये ड्रॉबैक था, मेरे साथ कोई था नहीं, अगर मेरा भी कोई दोस्त दोस्त होता है ऐसा, तो मुझे मतलब काफी अच्छा लगता है यार ये चीज देख के, कि मतलब दोस्त एक सपोर्ट करते हो एक दूसरे को, भले जितना भी रोज करते हैं काफी यूनिटी है तुम लोगों में, तो ये देख के काफी अच्छा लगता है। तो मतलब आप बताओ कि कैसे, मतलब तुम लोगों का कैसा चल रहा है, पैसा आता है इससे कि क्या नहीं आता है, मतलब खर्चा कैसे चलता है भाई? क्योंकि इन सब चीजों में पैसा तो लगता है, नो डाउट बहुत पैसा लगता है, क्योंकि पूरा दिन बैठे रहो बेकार वो, और मतलब बेकार वो मर गए। मैं अपने को भी इंक्लूड करके बोल रहा, क्योंकि मैं तो जॉब करता, तो आप लोग जॉब अभी नहीं करते हो शायद, तो मतलब कैसे आपका खर्चा चलता है, घर वाले कुछ सपोर्ट करते हैं क्या करते हैं? देखिए, अगर घर वालों की बात करें तो घर वाले सपोर्ट करते भी हैं और सपोर्ट नहीं भी करते हैं। बेसिकली उनको क्या है कि उनको जब बोला जाए, मतलब वो हमें जब बोले कि बेटा 1 किलो प्याज लिया, तो उनको प्याज मिल जाने चाहिए, तो वो सपोर्ट कर देते हैं। अगर हम वो उन्हें टाइम पे आलू प्याज ना ला के दे, तो फिर वो हमें सपोर्ट नहीं करते। तो पैसा कौन देता है प्याज? पैसे के लिए अभी बताएं तो स्टार्टिंग जब की थी तब हमारे को ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एकदम से तो पैसा आना स्टार्ट नहीं होगा, बट अभी पैसा आ जाता है। और अगर एक अमाउंट की बात की जाए तो रफली हम ये कह सकते हैं कि मैं एक आईफोन SE हर महीने ले सकता हूं। जो भी है, मैं आज अमन भाई की वजह से यहाँ पे हूँ, तो इसका जो सारा क्रेडिट है वो जाता मुझे ही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो अमन भाई भी यहाँ नहीं होते। तो इसका जो अगर हम बताएं डिवाइडेशन जो है वो हमारा इस तरीके से होता है कि 80% 20% जो आ रहा होगा वो चैनल ही पे लग रहा होगा, खुद के ट्रैवल्स होते हैं उस पर भी हम डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें खरीदनी भी है हमें, तो वो सब में चला जाता है। मतलब अभी जो आपने कैमरा वैमरा लिया मतलब काफी अच्छा, बेसिकली एक वाइंस वाले छोरे का अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो सारा उस वाइंस वाले छोरे में जाता है, और वो सब हमारे सेटअप में ही स्पेंड होता है। तो मतलब कोई अपना सोशल मीडिया पे, मतलब इंस्टाग्राम का मेरा तो भाई बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा अभी तक, क्योंकि अब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा जितने भी मतलब नए लोग आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम में सबसे ट्रेंडिंग पर है। यूट्यूब उतना नहीं चलता, बहुत हार्ड है। इंस्टाग्राम पे आप ग्रो हो सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि मतलब कभी भी पेड फॉलोवर्स मत लेना। मैंने लिए थे, गलती कर दी, 1000 ले गया, मेरे चैनल पे मतलब इंस्टाग्राम पेज पे रीच नहीं आ रही, तो मैं अब नया चैनल बनाऊंगा इंस्टाग्राम का। तो मतलब आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, मतलब कैसे ग्रो करा, जैसे आप बता भी रहे थे मतलब अभी ऑफ कैमरा कि आप लोग एशिया के ट्रेंडिंग पर आए, तो उसके बारे में कुछ बताओ। मैं बताता हूं सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करना क्या है, तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, ट्रिक्स है, कि आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। आप कुछ भी डाल रहे हैं ना एक्स वाई जेड, पर उसकी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, एक आपके पास एक अच्छा सा बकेट में होगा आपके पास बहुत सारी वीडियोस, तो वो आपको ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस फिल्टर करने में टाइम लगता है। और लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग की 100 वीडियो पे ही रुक जाते हैं। हमने भी जब स्टार्टिंग किया था 500 फॉलोअर्स थे पेज पे जब हमने स्टार्टिंग, नहीं मैंने तो देखा है तुम लोगों की ग्रो का ग्रोथ काफी अच्छा है। एक टाइम ऐसा है कि हम ट्रेंडिंग 1 पे थे एशिया में, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज थी। उस टाइम हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स भी आ रहे थे, इवन बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस से भी हमारे पास कॉल आए कि आप हमारे वेब सीरीज में शॉर्ट मूवीज में आ जाइए, तो सब चीजें थी, उसको भी हमने हैंडल किया, क्योंकि अभी हमने जल्दी, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो जितना जल्दी चढ़ता है उतना जल्दी उतरता है, उस चीज को हमने पॉज करके हमने बहुत स्मूथली उस चीज को हैंडल किया अपने साथ। उसके बाद धीरे 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 देख रहे तो अभी सब चल रहा है। तो मतलब कोई जैसे अभी मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा तो अभी मतलब उतना अर्निंग नहीं होती, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे बोल रहे सही बोल रहे लोग, इंस्टाग्राम पे इस टाइम ज्यादा रीच है। तो मतलब कि अगर कोई अभी जॉब छोड़ के स्टार्ट करना चाहे तो मतलब
मतलब लोग काफी मेरे मैं अपना एक्सपीरियंस लोग सोशल मीडिया पे बहुत मतलब दिखाते हैं कि हम बहुत अर्न कर रहे हैं ये कर, तो उस पे अगर कुछ बताना चाहोगे? देखिए जॉब छोड़कर अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाह रहे हैं तो उस चीज के लिए हम लोग आपको मना ही करेंगे, क्योंकि एकदम से ये चीज नहीं होती। क्योंकि जब हम लोगों ने भी चैनल स्टार्ट किया था तो उसके अंदर क्या था कि हम लोगों का उस टाइम पे फोकस ग्रो करने पे या अच्छे फॉलोअर्स पे इन सब चीजों पे नहीं था। हम लोग का जो टोटल फोकस था वो था अच्छे कंटेंट पे। हम लोग खुद कंटेंट बनाते थे, हम लोग शूट करते थे, और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हमारी मेहनत और ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया और हमारी वीडियोस चलनी शुरू हुई, तभी हम एशिया में ट्रेंडिंग वन पे आए और उसके बाद से हमारा चैनल सडन बूम हुआ, जो कि लकी था हमारे लिए कि सडनली एक से दो महीने के अंदर हमें इतना बूम मिला। तो इसीलिए कि अगर कोई भी जॉब को क्विट करके सडन सोशल मीडिया पे आ सकता है, अगर वो फाइनेंशियली पीछे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो ये चीज कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग वो नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आप पहले चैनल स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा पार्ट टाइम अपना वीडियोस बनाए, उसके बाद आप जॉब। यही चीज बोलता हूँ कि भाई जितना भी आपको दिखता है यहाँ सोशल मीडिया पे उतना आसान नहीं है यार, मतलब कि आपको एकदम से छोड़ के आओगे तो वो कहते हैं ना कि हर चीज को टाइम देना पड़ता है यार, मैं खुद कर रहा हूँ दोनों चीज बैलेंस कर रहा हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ एक पार्टनर होता है जैसे तुम लोग यार, तो मुझे काफी चीजें इजी हो जाती है। मतलब हाँ ये चीज मतलब मेरे को पूछनी थी कि मतलब जैसे पहले तुम इंडिविजुअल बनाते थे, अब अक्षय आया है, तो मतलब क्या डिफरेंस क्या आया? मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि हम एक कंटेंट क्रिएटर के नाते सोचते हैं कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, तो उसमें दो खोपड़ी लगती है तो अच्छे से निकल आता है। मतलब सॉरी मतलब बीच में कब से जानते हो एक दूसरे को? वैसे जानते हैं तो हम 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बट मतलब कैसे मिले थे पहली बार कुछ ये? मैं साला ऐसे बात करूं जैसे साले कपल आए मेरे शो पर। एक्चुअली हम पड़ोसी हैं। अच्छा। पड़ोसी इन द सेंस बिल्कुल साथ वाला मकान तो नहीं, बट एक दो गली छोड़ के, तो मेरे ब्रदर का ग्रोसरी स्टोर था वहाँ पे, ये कस्टमर एज अ कस्टमर आते थे तो हमारी हाई हेलो थी, बट सडनली ग्रोसरी स्टोर भी अपना प्रमोट कर दो भाई। भाई सामान कहाँ कहाँ है आपका? ग्रोसरी स्टोर बेसिकली अभी बंद कर दिया गया है, इसकी प्रमोशन कैंसिल है। दूसरा एक स्टोर है गाइस यमुनानगर के अंदर, बीयू कॉस्मेटिक स्टोर यमुनानगर के अंदर है, जो कि मेरा खुद का स्टोर है। और यार तुम्हारा वाला मेरे को लग रहा है मैंने भी ले लिया वो चंबल वाला। हम लोग होलसेल एंड रिटेल दोनों में डील करते हैं। आप लोग कम यमुनानगर में आके कोई भी प्रोडक्ट आपने लेना हो, प्रोफेशनल प्रोडक्ट हेयर एंड स्किन से रिलेटेड, तो आप ले सकते हैं। जाइए दुकान पे और भाई का सामान लीजिए, और ये आपको एक रील जो है वो बना के देंगे, मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। ये मतलब मेरे को अगर जाता है फॉलोअर तो उनके एक रील बना कर देना, ठीक है? चलो तो मतलब अभी यार उस पे तो आओ, मतलब कैसे मिले, कैसे प्लान करा? हाँ तो फिर बस सडन यही था कि ये शॉप पे आते थे और लकीली हमारी दी की शादी थी तो इन्होंने वो गुलाब जामुन जो दे रहा था उसे। तो क्या था ना कि लक्ष्य को मैंने लक्ष्य इसका भाई का नाम है जिसके पास मैं जाता था शॉप पे, अक्षय को मैं बहुत टाइम देखता था वहां पे, की वहां पे रहता था, और सच बताऊं तो ये इसको सिंगिंग करने का बहुत मतलब पैशनेट है उसके लिए। अच्छा। तो 2-3 बार हमने ऐसे रफली सुना था, तो मैंने इसके बाद ऑफर लेके आया था कि आप अपना सोशल मीडिया क्यों नहीं बनाते हो, अपना सोशल मीडिया पे अपना गाओ और अपना सब लोगों को दिखाओ। तो इन्होंने बोला कि हाँ सपना तो है मेरा ये करने का, बट टाइम नहीं है, बिकॉज जैसे कि इन्होंने बताया कि शॉप है इनकी तो टाइम नहीं रहता है। तो मैंने कहा टाइम मैं मेरे साथ रहो, मेरे क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आपका टैलेंट है तो दोनों मिल गया। अभी भी आप कर रहे हो मतलब शॉप अभी भी चल रही है? अच्छा आप स्टार्टिंग वीडियो ही शॉप से? हाँ वो तो मैंने देखी है, मतलब अगर पेज पे पहले जाओगे तो मतलब ये एसी पे बनाते थे मतलब शॉप वॉप के वीडियो, तो मेरे को थोड़ा आइडिया तो हो गया था कि भाई ये शॉप वॉप पे है। पर इसकी जो स्टार्टिंग है ना वो इस तरीके से थी कुछ के सिस्टर की शादी पे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा मेरा, तो जो मुझे ऐसा लगता है जो मेरी साइड है, तो मैं शॉप पे बैठा हुआ था, सडनली अमन भाई आए हैं और आके मेरे को नॉक करके पूछते हैं कि भाई यहाँ पे ना दो भाई रहते हैं अक्षय लक्ष्य, तो क्या वो रैंडम इंटरव्यू था? तो बेसिकली वो एक रहा रैंडम इंटरव्यू था, तो मेरा जो उस पर एक रिप्लाई था वो बहुत अच्छा था जो इनको अच्छा लगा। अक्षय लक्ष्य
तो इनको लगा कि हाँ इसके अंदर कोई कला है, ये कर सकता है, तो इन्होंने फिर मेरे को अप्रोच किया, क्योंकि उसी लास्ट उसी वीक में हमारी प्लानिंग चल रही थी कि मैं इनको अप्रोच कर रहा था कि मेरा आप इंस्टाग्राम बनाओ और मैं टाइम देता हूँ, सिंगिंग पेज बनाता हूँ। अच्छा। तो इन्होंने आया कि हम आपका पेज बनाएंगे। मतलब कॉमेडी का कुछ ऐसा नहीं था, कॉमेडी का तो मैं एक अपनी पर्सनल रील के लिए आया था इनके पास कि आप एक बार कैमरा फेस करो कैसा रहता है, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया था पहली रील पर हमारी। फिर उसके बाद अमन भाई बहुत सरप्राइजली मेरे पास आए और आके कहते हैं आ जाओ पेज बनाएंगे पेज बनाएंगे पेज बनाएंगे। मैंने कहा कितना टाइम हो गया ये इंस्टाग्राम पे वाइंस वाले छोरे को, एक साल से ऊपर हो गया, अभी एक साल भी नहीं हुआ तुम्हारे चैनल को भाई, एक साल के अंदर 10,000 हो गए भाई, बहुत बड़ी बात। अमन भाई मेरे पास सडनली भागते हुए आए, आके मेरे से कहते हैं कि आओ पेज बनाएंगे पेज बनाएंगे, तो मुझे लगा कि सिंगिंग का पेज बनने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बट हम एक फनी पेज बनाएंगे। मैंने कहा फनी पेज। फिर हम लोगों ने ये चीज भी बताते हैं उस टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि हम लोग पहले डबिंग करेंगे, मतलब किसी की वीडियो के ऊपर हम लोग डबिंग करेंगे, और हमने करी भी, नाम नहीं लूंगा, और आज वो लोग हमारी वीडियो कॉपी कर रहे हैं, दूसरे क्रिएटरों ने करा था। तो क्या हुआ था, मैं वहां गया था, सीपी गया था, तो क्या हुआ था वहां पर कि एक वो जैसे आता नहीं मूवी के रिएक्शन लेने या किसी चीज का रिएक्शन लेने, तो मेरे पास आया, कहते हार्दिक पांड्या का उस टाइम वो इशू चल रहा था जो कॉफी विद करण में आया था, जो पता नहीं तुम लोग को याद भी होगा, जो उसने बोल दिया था कि आज मैं करके संजू मूवी थी वो भी उसी टाइम लगभग आसपास आई थी, तो उसमें बोलता रणबीर कपूर की मैं 300 मतलब संजू किरोल के 300 लड़कियों के साथ करके आया, तो ऑडियंस ताली बजा रही, उसने बोल दिया, तो मतलब तो उसने मेरा, मैं कहता कि ठीक है भाई मैं आपका डाल दूंगा, मतलब उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता था यार कि आज भाई अपने उस टाइम तो हर कोई यूट्यूबर और ये है, उस टाइम इतना नहीं था, तो मतलब उसने मतलब जब मैं देखने आया उसका चैनल देखा तो मेरा पार्ट गायब था, तो भाई मुझे पता है ना कि कैसे, इसलिए मैं जब भी कहीं जाता हूँ या किसी का भी शूट करता हूँ भले कैसा भी है मैं डालता जरूर अपने चैनल, क्योंकि मुझे पता है भाई कि कैसा लगता है। हाँ वही वही कह रहा था, तो मतलब कि और स्ट्रगल क्या क्या आते हैं यार मतलब बनाने में, जैसे कि लोग आप तो मोस्टली वहीं बाहर ही शूट करते हो, तो लोग मतलब कैसा रिएक्ट, मतलब अच्छे लोग भी होते हैं, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, वैसे टाइप के भी लोग होते हैं जो मतलब नहीं कि क्रिएटर्स को देख के कुछ अरे ये तो वो है, हाँ जज करते हैं, मतलब काफी नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हो? एक्चुअली क्या है, इसके पीछे जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, जो यंग जनरेशन है, वो लोग को वो लोग तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट करते हैं और इनफैक्ट हमारी में हमारा साथ भी देते हैं। इनफैक्ट आपको मैं इसके ऊपर एक स्टोरी बताता हूँ कि हमारी गली में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हम लोग शूट कर रहे थे, तो उन्होंने रोड के ऊपर बाइक से रोक दी थी कि रुक जाओ शूट चल रहा है। अच्छा। उनके पैशनेट रहते हैं वो इस पे। बाकी जो थोड़े से बड़े, मतलब कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ कि जो नेगेटिव, मतलब लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है कि हमारा जो नाम है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए, जब बहुत से अपने आसपास में जो भी लोग हैं, तो वो आके ना नाम में कंफ्यूज होते हैं, हमारा नाम है वाइंस वाले छोरे, और लोग कंफ्यूज होते हैं चोर वाइंस वाले। अच्छा। तो बहुत आगे बोलते हैं अरे वाइंस वाले चोर है, पूरा फील होता है कि यार चोर है हम। तो मतलब अभी तुम लोगों ने ऐसा कुछ फेस नहीं करा कि जिसने फेस करा है, सोशल मीडिया पे फेस किया हमने ये चीज। अच्छा, तो मतलब क्या पब्लिकली नहीं किया है, पर सोशल मीडिया पे फेस किया है कि लोगों ने बहुत ज्यादा ही ट्रोल किया है। बेसिकली क्या है कि हम कंटेंट बनाते हैं फ्रेंड्स का, तो फ्रेंड्स में कैसे रोस्ट होता है, तो कई बार भाई मुझे रोस्ट करते हैं, मैं इनको रोस्ट करता हूँ, तो जितनी बार उन्होंने मुझे रोस्ट किया है कमेंट भर गए हैं कि ये है वो है वो, मतलब नहीं मैं एक एग्जांपल को एक बताओ कोई ऐसा कुछ हुआ एग्जांपल के लिए बताता हूँ। हम लोग एक शूट कर रहे थे गाड़ी के अंदर, वो मेरी कार थी बाय द वे, तो हम लोग बैक मार रहा है, तो मैंने इनकी कॉलर पकड़ के ना ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियो थी, तो उनको ऐसे मार रहा हूँ कि बोल अपनी गर्लफ्रेंड को कभी हमारी इंडिविजुअल पार्टी में लेके नहीं आएगा। तो उसमें कमेंट आए कि इसकी भी गर्लफ्रेंड है। पूरा बताओ यार, खुल के बताओ, अपना सब भाई लोग बैठे यार। और दूसरी चीज ये है कि मेरा मानना यह है पर्सनली कि आप कभी बिजनेस के अंदर ये काम ना करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो उसको मैं बहुत सेपरेट करके चलता हूं।
बहुत बढ़िया बात बोली भाई, मतलब इस चीज के लिए तो ताली बजानी पड़ेगी, मतलब देख के लगता नहीं कि इतना शरीफ होगा अच्छा मतलब ये चीज तो अच्छी है यार कि मतलब काम अपनी जगह और ये अपनी जगह। हाँ तो वो बता रहे थे कुछ मतलब तो ये 100% टाइम नहीं दे पाता है सोशल मीडिया पे 100% मतलब जैसे मेरा क्या होता है शूट के एडिट किया डाला ना ये सब मेरा आपने रहता है। और इसका तो मैं बताना चाहूंगा मैंने इसका नॉडी ब्लॉग से मतलब जब इसका यूट्यूब पे था भाई रोज कंटेंट डालता था, मतलब आपने देखा होगा कि मैं रिसेंटली थोड़े ज्यादा कंटेंट डालने लगा हूं मतलब रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे इसी से थोड़ी इंस्पिरेशन मिली थी उस टाइम। हां नहीं ये बात तो है कि मतलब बंदा रोज डालता है यार और उसकी मतलब रीच अच्छी थी उस टाइम, काफी जल्दी 2000 हो गए थे, फिर इसने छोड़ दिया बनाना यूट्यूब क्योंकि मैं लगा रहा बट यूट्यूब पे मेरे शॉर्ट्स आते हैं अभी ब्लॉग। हां मतलब सॉरी मतलब कर सकते हो अभी भी अगर YouTube पे ना अपने YouTube का बता देना नॉटी ब्लॉग्स के नाम से है मेरा, तो मतलब उस पे आप जाके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, तो मतलब वो वाली बात तो पूरी बताओ यार। मैं बता रहा हूं तो जैसे ये बिजी रहता है तो इसके पास 100% टाइम नहीं रहता है, उसकी मैं मानता भी हूं, बट क्या होता है ना कि मेरे फोन में इस वाले में हमारा वो पेज लॉगिन है। अच्छा तो हमने अपलोड की और हम एक्साइटेड रहते हैं एज ए क्रिएटर कि क्या कमेंट आएंगे, तो उस दिन हमने वो वीडियो अपलोड की है पहला कमेंट है, मैंने खोल के देखा क्या कमेंट आया है, तो पहला कमेंट इस कलवे की भी गर्लफ्रेंड है के अच्छा पहला ही कमेंट दूसरा उसके कमेंट का रिप्लाई आया अब कालों की ही गर्लफ्रेंड होती है आजकल। अच्छा तो मतलब ये चीज इफेक्ट करती है वीडियो पे 2-3 मिलियन व्यूज है। अच्छा जितने भी कमेंट है ना आप सारे नेगेटिव है उस पे, यही है मेरे लिए। तो मतलब ये चीज इफेक्ट करती है मतलब पहले तो ये भी मैं बता देता हूँ ये इफेक्ट तब तक करती जब तक फाइनेंशियली नहीं आ रहा, जब आने लगता है तो फिर मर्जी बोलो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसा। सही क्योंकि मैं अपने बताता हूँ बचपन का कि मैंने जब मैं 11th या 12th में था तो मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे। अच्छा। तो मतलब उस एज में तो यार चीजें इफेक्ट करती, मतलब स्कूल जाने या लड़कियां कोई टोक भी देता था भाई तुम्हारे चेहरे पे कितने पिंपल्स है ये तो भाई बड़ा बुरा लगता था। अब तो भाई कह सकते हैं कि मतलब अब बड़े हो गए तो वो चीजें इफेक्ट नहीं करती, तो मतलब कैसा भी लग रहा है लग रहा है कुछ भी लग रहा है ये बीप हो जाएगा। हाँ तो मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एज में फर्क पड़ता है। तो मतलब उसके बारे में बताओ कि कैसे जो लोग जो कुछ लोग होते हैं इनको इस एज पे भी ये चीजें इफेक्ट करती हैं कि जैसे लुक्स का नहीं लुक्स पे तो इसको पड़ता है नहीं। हाँ मतलब कोई कमेंट करते हैं ना भाई जरा अच्छा। भाई जरा देखना मेरे बाल ठीक है, भाई जरा देखना मेरे कपड़े ठीक लग रहे, मुझे लग रहा है भाई अच्छी अच्छी वीडियो बनने के बाद टिकती भी नहीं है यार क्योंकि मेरे भी पहले जब मैं जिम करता था अब इस साल तो मैंने लास्ट ईयर तो बिल्कुल जिम नहीं करी है, उससे पहले मेरे भी देखो कि मेरी भी काफी अच्छी खासी बॉडी थी, जब तुम मिले भी होगे शायद तब थोड़ा मैं शेप अप तो मैं भी आउट ऑफ शेप हो गया हूँ, तो ये चीज ज्यादा दिन दिखती भी नहीं है यार। मतलब लोगों का ये रहता है ना कि भाई बॉडी बन गई तो वो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम वैसी रहेगी, नहीं होता ऐसा। मतलब अगर तुम बताना चाहो मेरा जो इसका रीजन है वो ये था कि कुछ शेड्यूल बिजी होने की वजह से जिम क्विट हो गया था, तो उस रीजन से मेरा थोड़ा सा ये हो गया, अदरवाइज नहीं। मतलब वही तो रीजन होता है, मतलब जिम टाइम नहीं दे पाओ। बाकी हाँ बाकी मेरा दोबारा से विचार बन रहा है तो फिर मैं कैमरा कट नहीं करूंगा। अच्छा नहीं करता अच्छा। करता है और इसका मैक्सिमम टाइम होता है यार देखना मेरे बाल थोड़े टिकने लग रहे हैं अच्छा। और हेयर कट कई कई बार तो ये होता है कि हेयर कट करवा देता हूँ उसके बाद हेयर कट करवा देता हूँ उसके बाद शूट कर देते हैं, और दूसरी बार जब कट लगते हैं दूसरा अगर रीजन दिया जाए तो फंबल। अच्छा और इनके फंबल हर वीडियो में होते हैं, तो भाई वो तो मतलब जो चीज हमें कैमरे पे दिखती है कि इतना परफेक्ट रहता है या कुछ रहता है वो चीज नहीं होती यार। मैं अपने लास्ट वीडियो का बताऊं उसमें मुझे कम से कम इतने टेक लगे होंगे, मतलब मैं तो अकेले ही शूट करता हूं तो काफी सारे टेक लगते हैं और लोग मतलब मैं तो पूरी स्क्रिप्ट लिख के करता हूं तो मैं कॉम्प्लीमेंट ये कह सकते कुछ भी लोग कहते अबे तुम इस चीज के लिए लिखते भी हो, मतलब उनको ये लगता है कि मतलब ये मैं जो बोलता हूँ ये सब डायरेक्टली बोलता हूँ, मतलब एकदम से दिमाग में आ गया, तो ये ऐसा नहीं होता जो मेरे मतलब रोस्ट या कुछ होता है तो पूरी स्क्रिप्ट लगती है लिखने में। तो मतलब तुम तो लोगों में कौन स्क्रिप्ट लिखता है क्या करता है? फ्रैंकली बताऊं ना तो हम लोग स्क्रिप्ट लिखते नहीं है, हम लोग ना टॉपिक डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर कुछ डायलॉग डिसाइड करते हैं, अपनी अपनी लाइंस याद करते हैं और हम टॉपिक जरूर लिख लेते हैं अपने पास ताकि आगे के लिए हम उस टॉपिक को भूले ना। उसको जैसे क्या होता है ना कई बार आप कभी चिल आउट करने के बाहर गए अपने फ्रेंड्स के साथ और वहां पे कुछ ऐसा हो गया जो हमें लगता है ये तो बहुत रिलेटेबल है और बहुत फनी सा है,
तो उसे हम अपने उस ग्रुप में बैठे बैठे ये या तो मुझे मैसेज कर देगा या मैं इसको मैसेज कर दूंगा ये टॉपिक सही है टॉपिक को बेसिकली और वो हमारे उस पे स्क्रिप्ट लिख देते हैं और मैक्सिमम टाइम हमारे पास हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम लोग सिंगल टेक में अच्छा शूट कर लेते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिसाइडेड होती है लाइंस वो नहीं आके दूसरी लाइन आ जाती है ऑटोमेटिकली और वो बेटर होती है उससे भी इम्प्रोवाइज हो जाता है तो वो तो अच्छी चीज है मतलब जो चीज नेचुरल आती है वो तो अलग ही उसका मतलब रहता है रिएक्शन रिजल्ट बहुत अच्छा हाँ तो मैं मानता हूँ कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक वीडियो के पीछे पूरी स्क्रिप्ट हमारे साथ बहुत बार हुआ है पूरी स्क्रिप्ट लिख दी सब कुछ हो गया अमन भाई इसको इस एंगल से करेंगे आक्षय भाई इस एंगल से करेंगे ये करेंगे पूरा एफर्ट डाल दिया अपलोड किया और उस पे ही व्यू नहीं आते हाँ ये तो बहुत होता है यार कि मतलब जिसमें मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा जो अभी YouTube पे सबसे मोस्ट वायरल वीडियो है उस पे 24 लाख व्यूज है मतलब वो मैं गया था नवंबर में गया था आगरा वो जो पार्ट था वो अनारकली वाली क्लिप वो मैंने डाली नहीं थी मतलब काफी दिन तक मैंने कहा था जब कुछ किसी हफ्ते कंटेंट नहीं होगा तो उस दिन डाल दूंगा वो मैंने फेब में डाली है और मतलब बाकी मेरे वीडियोज पे किसी पे रीच नहीं आई उस पर्टिकुलर वीडियो पे मतलब वो 2.4 मिलियन उस पर व्यूज आए हैं तो मतलब ये कहते हैं कि जो चीज मतलब सोच चुके जिस पे मेहनत करी थी नहीं उस पे व्यूज ही नहीं आ रहे तो ऐसा तुम लोग के साथ भी होता होगा राइट बिल्कुल ऐसा हमारे साथ भी आई थिंक इंस्टाग्राम पे जितने भी क्रिएटर्स हैं सबके साथ ऐसा होता है कि जो प्लान वीडियोस होती है स्क्रिप्टेड वीडियोस होती है उसके ऊपर व्यूज ना आके जो अनस्क्रिप्टेड है सडनली उन लोग अपलोड करते हैं और उसके ऊपर व्यूज आ जाते हैं इसने एक बार शाहरुख खान ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपनी मूवी में जब शूट होती है तो उस टाइम जब वो एक्शन करते हैं तो लगता है ये शूट बड़ा अच्छा है इस पे तो लोग ताली मारेंगे पर जब होता क्या है हॉल में जाते हैं और उस शूट को तो उस सीन को तो ऐसे ही कर देते हैं जैसे कुछ था ही नहीं अच्छा और उन्होंने कहा था कि हाँ भाई मुझे तो ऐसा लगता था कि यार इस पे तो ताली पड़ेगी पड़ेगी वही हमारे साथ होता है जो हम सोचते हैं ये वाली वीडियो तो भाई बूम करेगी पर कुछ नहीं होता उस पे कभी कभी कमेंट भी नहीं आते नहीं ये बात तो सही है यार कि मैं जिस वीडियो पे मेहनत करूं वो चीज नहीं हो पाती है तो अपने ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है कि मतलब मेरी ऑडियंस ये पसंद करे क्योंकि कई लोग इस चीज पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किस चीज पे कंटेंट बनाए तो वो तुम लोग कैसे करते हो अपना मतलब डिसाइड कि मेरी ऑडियंस मतलब समझ में कैसे आए कि ऑडियंस को ये चीज चाहिए मतलब मेरा समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया इसके लिए ना हम लोग बस ये कह सकते हैं कि कुछ डिसाइडेड नहीं होता हम लोग ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा हो रिलेटेबल जो पब्लिक देखे और उसको लाइक करे तो रिलेटेबल सोचते और ऑब्वियसली हम सब लोग घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर आना जाना होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ टॉपिक मिल ही जाता है तो वो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग फिर स्क्रिप्ट बनाते हैं और फिर वो हाँ बट ये कि अगर कोई नया क्रिएटर अपना पेज बनाता है तो उसको मैं कहता हूँ कि आप हर चीज ट्राई करो हर जनर ट्राई करो कॉमेडी भी सैड भी रिलेटेबल भी हर एक चीज ट्राई करोगे कहीं ना कहीं आप फिक्स हो जाओगे जैसे कि हम अभी कॉमेडी में हो गए सिंगिंग का प्लान था बट हाँ जो चीज मतलब सोचो वो चीज नहीं जैसे मैंने भी अपने चैनल का बता दो हॉलीवुड कई लोग मेरे से पूछते भी है कि मतलब चैनल का नाम हॉलीवुड देखो है और चीजें और कुछ चल रही तो भाई मेरा भी यही था कि मैंने सोचा था कि मैं हॉलीवुड मूवीज के रिव्यूज करूंगा जब मैंने चैनल बनाया था तो मैंने स्टार्टिंग में दो चार फिर यार उस पर रीच नहीं आ रही थी मजा भी नहीं आ रहा था मतलब चेहरा मेरा ऐसा अच्छा तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो पे ऐसा चेहरा रहता तो मतलब जब कैमरा स्टार्टिंग में नई मतलब नया नया होना तुम लोग के साथ भी हुआ होगा कि एक्सप्रेशन नहीं आता चेहरे पे मतलब जैसे नहीं कि इंटरेक्शन नहीं हो तो कई सारे फीडबैक मिले फिर मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग करते हैं फिर अगर मैंने भी कई कई चीजें ट्राई करी तो मैं भी यही बोलता हूं मेरे को भी कई लोगों ने ये चीज बोली थी कि मतलब एक चीज पे बनाया करो लेकिन यार हर चीज बनाओ जब तक तुम फेमस नहीं हो रहे अगर तुम फेमस हो गए उसके बाद अगर किसी चीज पे प्यार मिल रहा है तो वो चीज कंटिन्यू करनी चाहिए मेरा ये पहली वीडियो जो वायरल हुई थी वो फ्रेंड्स वाली हुई थी मतलब फ्रेंड्स में जो बातें होती हैं तो उस चीज को हमने पढ़ के रखा हुआ है इसको हम लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स ही वाले हमारे ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है जैसा आप बता रहे हैं कि आप ट्रैवल करने से होता है तो वो भी एक्सपेरिमेंट करते रहना अच्छा जो गाइस आप लोग वीडियो देखते हैं जितनी भी उसमें एडिटिंग और जितनी भी चीजें हैं वो सब अमन भाई का क्रेडिट है क्रेडिट गोज़ टू हिम और जो स्क्रिप्ट है उसका क्रेडिट 100% मुझे जाता है तो क्या उसका आप 70-30 कर सकते हैं हाँ 70-30 कर सकते हैं 70-30 तो उसमें क्या होता था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी ही वीडियोस बनाएंगे और अपने वीडियोस बनानी शुरू करी और आज जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो हमारी स्टोरीज भी देखते हैं हमारी वीडियोस भी देखते हैं और हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं कि जैसे कि अगर आप छोटे क्रिएटर हो तो ये मत सोचो कि आपको देख नहीं रहे कोई बड़े बड़े क्रिएटर हाँ, बात तो सच है और वहां से वो उठाते भी हैं
हमने चीज देखी भी है। और मतलब कुछ होता है ना कि बड़े बड़े क्रिएटर्स मतलब अपना शूट, मेरे साथ तो हुआ था एक, एक मैं भी उसका नाम नहीं लूंगा, एक बंदा था मतलब मैच खेलने आया था, अपना सब कुछ उसने मेरे से शूट करवाया, सब कुछ करा। मैंने कहा कि भाई उसके मतलब काफी फेमस बंदा है वो, मतलब बहुत ही वेब सीरीज में भी आ चुका है वो। हाँ, तो उससे मैंने बोला कि भाई शेयर कर देना यार कि मतलब इतना मैंने शूट करा, सब ड्रोन से करा, सब करा उसका। मैंने कहा भाई अपने चैनल पर डाल, मतलब उस पर शेयर कर देना। भाई बंदे ने डाला नहीं। तो मतलब ये चीज होती है, टाइम टाइम की बात है यार, कभी मैं भी फेमस होऊंगा तो कोई बात नहीं, मिलेंगे हम भी हमारे। हाँ, इसके ऊपर ये कह सकते हैं जो आज साथ है वो आगे भी साथ है। हाँ, मतलब मेरा भी वक्त आएगा तो मैं भी बताऊंगा, और तब देखते मिलते मार्केट में। तो और बताओ कुछ, मतलब पॉडकास्ट रैप अप करने से पहले कि कुछ शेयर करना चाहते हो? मैं कुछ कहना चाह रहा था, वो जो क्वेश्चन हमने लिख के दिए थे वो कहाँ है? वो अभी दिमाग में मैंने फिक्स कर लिया अपने। और तुम लोगों का मना किया था गर्लफ्रेंड के बारे में मत पूछना, आपने पर्सनल क्वेश्चन। अरे अब जो हो गया चलो, वो तो अपने झूठ बोल दिया। तो मतलब कपड़े पड़े वापस कब करने दोगे? मेरा तो भाई ठेकेदार आ रहा होगा ये सब लेने। टाइम क्या हो रहा है? 7-8 दिन यार, 8 दिन वापस करना थे कपड़े। तो भाई दोनों एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। तो मतलब कुछ एक मतलब लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहो कि कैसा लगा ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत बहुत अच्छा था, और हम बहुत एक्साइटेड थे इस चीज को लेकर। राइट गाइस, हमारी ये जो प्लानिंग है आप यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन 20-25 दिन से चल रही थी, और कुछ चीजों की वजह से डिले हो रहा था। फाइनली आज हमारा पॉडकास्ट यहाँ हुआ, शूट हुआ, कंप्लीट भी हो गया है। और I hope आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ। बहुत है, मैं ये चीज तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि मतलब ये मेरे फर्स्ट गेस्ट है, मतलब इन लोग मतलब इस अक्षय से तो मैं पहली बार मिला हूँ इससे, मतलब मैं बताना चाहूँगा हम लोग कैसे मिले थे। एक बार मैं मायू टॉम 2021 की बात है शायद, तो मतलब मैं वहाँ शूट करने गया था, तो जब मैं वापस आ रहा था तभी ये मेरे को मिला था वहाँ पर, तब इसने मतलब अपने व्लॉग में भी शायद मेरे को ऐड करा था, तब से मिले थे। तब से हम लोग मतलब ऐसे बात करते थे कि कैसे ग्रो करना है, क्या करना है। तो उससे लेकर आज तक 2 साल हो गए, हम 2 साल बाद मिल रहे होंगे शायद। हाँ, ये दूसरी मतलब उस दिन मिले थे, उसके बाद 2 साल बाद आज मिल रहे हैं। तो काफी अच्छा लगा मतलब तुम लोगों से मिलके। अब तो मतलब आगे भी पॉडकास्ट बनाएंगे, साथ में काम करेंगे। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम वाइंस वाले छोरे। और तुम लोग भी कुछ बोलना चाहो एंड में तो बोल दो मेरे चैनल के लिए। प्लीज प्लीज, जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने हमारे सपोर्टर हैं, वो बॉलीवुड हॉलीवुड देखो को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज ये बहुत बहुत हंबल है यार। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम जैसा मैंने बोला कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय भैया। वो पेट्रोल के पैसे मिल जाएंगे ना? वो भैया ने बोला वो मैं अभी पेटीएम कर दूंगा जब घर पहुंचे। घर पहुंचोगे मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा मेरा।